गाइस, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं मॉड्यूल 6 का, जिसका नाम है हास्टु लुस्ट इन स्कीनो सुगेहन। हास्टु लुस्ट इन स्कीनो सुगेहन। बेसिकली ये चैप्टर प्रपोजिशन पे बेस्ड है, तो इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले चैप्टर 1 जानना जरूरी है। तो चैप्टर 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, पहले आप वो देख लीजिए, देन ही आप चैप्टर नंबर 2 को समझ पाएंगे। तो पहले मैं कुछ चैप्टर 1 में से कुछ कंटेंट इसमें से लेकर आती हूँ, सो दैट आप इस चीज़ को समझ सकें। तो कुछ हमने वहाँ पर किए थे, उनके आर्टिकल्स किए थे, कुछ नाउन्स किए थे, लाइक दी कॉन्डिटोराए, दी बैंक, देयर पार्क, दास काउफाउस, दास कीनो। तो ऐसे बहुत सारे थे, वो फर्स्ट चैप्टर में हमने किए थे। तो वह आप फर्स्ट चैप्टर को देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी सारे वर्ड्स पता चल जाएंगे और इनको कैसे याद करना है, इनके आर्टिकल को, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट कि इस चैप्टर में ग्रामर क्या है। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, वो किया था वो कान मान ब्रॉड काउफन, लाइक ये क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि वो है, अगर क्वेश्चन वो में है तो आंसर हमेशा प्रेपोजिशन प्लस डाटिव होगा। यानी कि अगर मैं बोलूंगी वो कान मान ब्रॉड काउफन, तो मैं बोलूंगी इन देयर बेकर आए, कान मान ब्रॉड काउफन। ऐसा क्यों हुआ? देखो, बेकर आय का आर्टिकल दी होता है, डाटे में वो देयर में चेंज हो जाता है, तो इन देयर बेकर आय कान मान ब्रॉड काउफन। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या है, आज हम आकुजेटिव करेंगे। तो पहले मैं कुछ चीजें बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन वो में होगा तो आंसर में जो होगा वो प्रेपोजिशन प्लस डाटिव होगा, और अगर क्वेश्चन में वो हीन है तो आंसर में होगा प्रेपोजिशन प्लस आकुजेटिव। ये नहीं है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि मैंने बोला है कि वो के साथ डाटिव आएगा, तो वो के साथ डाटिव लगाना शुरू कर देते हैं। वो के आंसर में डाटिव आएगा, वो क्वेश्चन होगा। जैसे मैंने बोला वो लीक दास काउफ हाउस, तो ये हमेशा नॉमिनेटिव रहेगा, या दास कीनो ले लेते हैं हम, वो लीक दास कीनो। तो आप बोलोगे दास कीनो लीक फॉर देयर पिजेरिया। तो कीनो कहाँ है? तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो लीक देम कीनो, क्योंकि मैंने बोला था कि वो के साथ डाटिव आएगा, देम नहीं आएगा, दास कीनो आएगा, क्योंकि लीगन जो है नॉमिनेटिव फॉर्म है, वो हमें आंसर के फॉर्म में आएगा, कि क्वेश्चन अगर वो में है तो आंसर के फॉर्म में डाटिव आएगा, लाइक दास कीनो लीक। अब यहाँ प्रेपोजिशन लग गई, देन इसके बाद हमने डाटिव में चेंज कर दिया, दी पिजेरिया को हमने देयर में कर दिया। तो बेसिकली जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, देन प्रेपोजिशन आती है, और उसके साथ डाटिव ऑब्जेक्ट आता है, लाइक सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म रहेगा। तो ये जैसे हो गया दास कीनू, वर्ब आ गई हमारी इस, समझ लीजिए प्रेपोजिशन आ गई फोर, इसके बाद जो भी हम लगाएंगे, जैसे काउफ हाउस के सामने है, काउफ हाउस का आर्टिकल दास होता है, तो वो देम लग गया। तो अब आते हैं हम कि वोहीन का कैसे यूज करेंगे। अब क्वेश्चन जैसे हुआ वोहीन गेस्ट डू पिज़्ज़ा एसन, आप पिज़्ज़ा खाने कहाँ जाते हैं? वोहीन गेस्ट डू पिज़्ज़ा एसन, तो जहां वोहीन में क्वेश्चन है, आंसर हमेशा आकुजेटिव फॉर्म में आएगा, मतलब प्रेपोजिशन के साथ हमेशा आकुजेटिव लगेगा। तो कैसे होगा, अब पिजेरिया का, हम पिज़्ज़ा कहाँ खाते हैं? पिजेरिया में। पिजेरिया का आर्टिकल क्या होता है? दी पिजेरिया, और आकुजाटिव में दी दी रहता है, तो इन दी पिजेरिया हमारा, क्योंकि दी दी रहता है, इन दी पिजेरिया केह इश पिज़्ज़ा एसन। सी, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो मैं टेबल बना देती हूँ, देयर दी दास दी, ये आपका नॉमिनेटिव फॉर्म है, देन देन दी दास दी, ये आकुजेटिव फॉर्म है,
And dative them, there, them, तो ये अभी प्लूरल का कोई यूज नहीं है यहाँ पर. तो ये हो गया आपका नॉमिनेटिव फॉर्म, अकुजेटिव फॉर्म, डाटिव फॉर्म दैट इज मैस्कुलिन, नॉइत्रम सॉरी फेमिनिन, नॉइत्रम एंड प्लूरल. तो देयर देन में चेंज हो जाता है, दी दी रहता है, दास दास रहता है, दी. तो दी था हमारा पिजेरिया, तो दी रहा अकुजेटिव में. तो इन दी पिजेरिया गेहेश पिज़्ज़ा एसन. लाइक अब मैं आपको दो क्वेश्चन देती हूँ. वो कान मान बुक काउफन, कि बुक कहाँ खरीद सकते हैं. तो आपका आंसर होगा वो, गया वो मतलब डाटे पहले तो इन. अब कहाँ पर खरीदते हैं हम, बुक हैंडलूम में. बुक हैंडलूम का आर्टिकल क्या होता है, दी बुक हैंडलूम. तो कहाँ खरीदते हैं, बुक हैंडलूम में. और डाटे में क्या होता है, दी देर में चेंज हो जाता है. और वो के साथ जब हम आंसर में करते हैं प्रपोजिशन के साथ डाटे बात, तो इन देयर बुक हैंडलूम कान मान बुक काउफन. दूसरा क्वेश्चन है यही अकुजेटिव फॉर्म में, वो हीन गेस डू बुक काउफन, भाई बुक खरीदने कहाँ जाते हो. तो आप बोलोगे अब वो हीन आ गया, तो हमें अकुजेटिव फॉर्म में बोला प्रपोजिशन के साथ. तो इन, इनके बाद क्या आएगा, अकुजेटिव में दी दी रहता है, तो इन दी बुक हैंडलूम गेहेश बुक काउफन. बाकी सारा ये कॉपी हो जाएगा, गेहेश बुक काउफन. तो आपने क्या समझा, देखो पहले वाले क्वेश्चन का मतलब है बुक कहाँ खरीदी जा सकती है, यानी कि आप प्लेस की बात कर रहे हो, वहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा. यहाँ पर दूसरे में क्या, आप कहाँ खरीदने जा रहे हो, तो वहां मूवमेंट हो रहा है, इसलिए अकुजेटिव फॉर्म आएगी. तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन ये आता है वो कान मान लॉयटर थ्रेफन. तो वो देखते ही लॉयटर हो गया पीपल, कहाँ लोगों से मिला जाता है, जैसे कैफे में, तो वो हो गया डाटिव इन देम काफे. और अगर मैं आपसे वोहीन में बोलती हूँ, वोहीन गेज डू लॉयटर थ्रेफन, आप कहाँ मिलने जाते हैं, कहाँ मिलने जा रहे हैं, तो आप बोलोगे इन दास कैफे. बस इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी आपको आंसर करना है इन देम काफे, इन दास काफे. जहां वो ही दिखा वहां आंखों डाटे में आंसर, जहां वो दिखा वहां डाटे में आंसर. अब देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको सेंटेंस दिया हुआ है और वो वहीन में चॉइस डालनी है कि आपको या तो वो फिल करना है या वहीन. तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, जहां आपको वर्ब दिखे वहीन के साथ वर्ब आएगी फारन, गेहन एंड फ्लीगन, वहां वो हीन लगेगा, एल्स हमारा वो लगेगा, और बाकी वर्ब्स के लिए वो लगेगा. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपकी पेज नंबर में अरबाइट्स बुक में अगर आप देखेंगे तो, वेट अ मिनट, देखेंगे तो पेज नंबर 54 पर एक एक्सरसाइज है, पेज 54 पर, तो जिसके अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि पहला क्वेश्चन है डैश लेंस टू इंग्लिश, और दूसरा क्वेश्चन है डैश गेहन वियर हॉयटा आबंड. तो जहां आपको वर्ब गेहन से रिलेटेड दिखे या फारन फ्लीगन ये दिखे, तो आपको वहां वो ही लगाना है, एल्स आपका वो लगेगा. जैसे मैं अब ये थर्ड वाला मैं आपको देती हूँ, आप बताना क्या लगेगा, एसन वियर हॉयटा. तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर वर्ब गेहन नहीं है, फारन नहीं है, फ्लीगन नहीं है, तो इट मींस क्या आएगा, वो आएगा, वो एसन वियर हॉयटा, हम कहाँ खा रहे हैं. अब जैसे ये है फोर्थ वाला, डैश गेट टीना आक टूअर, कि टीना कहाँ जा रही है. तो अब यहाँ देखो गेहन की फॉर्म आ गई, इट मींस वो ही आएगा. सिर्फ आपको ये देखना है जहां पर वर्ब आपको गेहन फारन फ्लीगन दिखे तो वो ही लगाना है, एल्स आपको वो लगाना है, दैट्स इट. ये सबसे सिंपल ट्रिक है इसका, नहीं तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं. तो वो ही कहाँ लगेगा, गेहन फारन फ्लीगन इन तीनों वर्ब के साथ ही लगता है, अदरवाइज आपका वो लगता है. अब आपका क्वेश्चन बहुत, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 भी है पेज नंबर 54 पर, तो उसमें क्या है, वो त्रेफन वियर उन्स, तो आप सीधा वो डाटिव है, क्या बोलेंगे, इन देयर आईज डियर. और अगर मैंने यही क्वेश्चन वोहीन गेजू जोशनेल, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं,
क्या बोलेंगे? Auf die Post. अच्छा, पोस्ट और बैंक के लिए auf लगता है, बाकी चीजों के लिए in लगता है. पोस्ट और बैंक के लिए ये एक्सेप्शन है. अगर आप वहां जा रहे हैं तो आप बोलेंगे auf, auf die Post, या डाटे में auf der Post, तो auf die Post या बैंक. अन लगता है आपका बानहोफ के साथ, दैट इज अन देम बानहोफ, या प्लाट के साथ, हम प्लाट बोलते हैं ना, या आपका अन देयर हालस्टेलर, इन तीनों के साथ ये लगता है. मतलब ये डाटे में मैं बता रही हूँ, ये डाटे फॉर्म में लिखा हुआ है. तो बानहॉफ पे जाते हैं अनदेम बानहॉफ, दैट इज अम प्लाट, या अम बानहॉफ भी बोल सकते हो, और अनदेर हालस्टेलर. पोस्ट के लिए ऑफ दी पोस्ट, या ऑफ बैंक के लिए भी ऑफ दी बैंक. अगर आप जा रहे हैं, ये अकुजेटिव फॉर्म में है, ये डाटे फॉर्म में, और बाकी चीजों के लिए इन यूज होगा. जैसे इन स्कीन हो गया, या इन कीन हो गया, इन दी पिजेरिया हो गया, इस तरह से. तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैसे इन्स रेस्टोरेंट लिखा है, तो ये वो इन्स रेस्टोरेंट, तो ये वो है या वो ही है. अब जैसे अकुजेटिव है, इन प्लस इन्स होता है, इन प्लस दास, तो इन प्लस दास हो गया, दास दास में रहता है, वो कौन सा होता है? अकुजेटिव. तो ये वो ही है. अब जैसे मैंने बोला इम रेस्टोरेंट, ये डाटिव है, तो ये किसका आंसर हो गया? ये वो का आंसर हो गया. ये पहला टॉपिक था इसके अंदर. आपका दूसरा क्वेश्चन आ सकता है जैसे हास दू लुस्ट इन स्कीनो सु गेहन. अब देखो क्या है इसमें. हास दू लुस्ट इन स्कीनो सु गेहन, डू यू हैव इंटरेस्ट. लुस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट. या आपका ये भी हो सकता है हाज दू साइट, साइट मतलब टाइम, कि आपके पास वक्त है किनो जाने के लिए. अच्छा, आप ये देखोगे इंस क्यों आया है, क्योंकि जो गेहन है वो हमेशा अकुजेटिव फॉर्म होता है, तो किनो जाने के लिए, इसलिए इन प्लस दास आया, इंस किनो सु गेहन, इन प्लस दास, तो इंस किनो सु गेहन. या कभी इम किनो सु गेहन नहीं आ सकता, क्योंकि गेहन हमेशा अकुजेटिव होता है, इसलिए अकुजेटिव फॉर्म आया है. तो हाज दू साइट इन देन पार्क सु गेहन. पार्क देयर होता है, देयर देन में कन्वर्ट हो जाता है अकुजेटिव में, तो इन देन पार्क सु गेहन. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. इसके अंदर एक है डायरेक्शन वाला टॉपिक. तो डायरेक्शन वाला टॉपिक करने से पहले पहले मैं फिक्स, अब हम फिक्स अकुजेटिव प्रपोजिशन करने जा रहे हैं. फिक्स अकुजेटिव प्रपोजिशन का मतलब ये होता है वो प्रेपोजिशन जिनके साथ अकुजेटिव ही लगेगा. अच्छा, इससे पहले जो हमने की थी वो की थी वेक्सल प्रेपोजिशन. वेक्सल प्रेपोजिशन का मतलब ये होता है कि वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. लाइक हमने वेक्सल में की थी इन, अन, आउ, फोर. तो इनका मतलब होता है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उनको अकुजेटिव लगाना है या डाटिव लगाना है. अब सिचुएशन कैसी होती है, अगर मैंने बोला वो कान मान ब्रॉड काफन, वो आ गया, वो दैट मीन्स डाटिव, देन इन देयर बेकर आए. और मैंने बोला वो ही गेस दू ब्रॉड काफन, देन आएगा इन दी बेकर आए. तो आपने सिचुएशन देखी कि अगर वो ही केस है तो आप अकुजेटिव लगाओगे, वो केस है तो डाटिव लगाओगे. तो इसलिए उनको वेक्सल प्रपोजिशन कहा जाता है. तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फिक्स्ड अकुजेटिव प्रपोजिशन. अकुजेटिव प्रपोजिशन का मतलब ये है कि उनके साथ सिर्फ अकुजेटिव लगेगा, डाटिव केस कभी लग ही नहीं सकता. तो पहली प्रपोजिशन है वो है एंटलांग. एंटलांग का मतलब होता है अलोंग. दूसरी प्रपोजिशन है हमारी डुर्श. डुर्श का मतलब होता है थ्रू. और तीसरी प्रपोजिशन है हमारी उम. उम का मतलब होता है एट. अब मैं तीनों का एग्जाम्पल देती हूँ. पहला एंटलांग. एंटलांग का मतलब होता है अलोंग. अलोंग का मतलब जैसे ये स्ट्रीट है तो आप इस स्ट्रीट के अलोंग चल रहे हैं, यानी कि एंटलांग चल रहे हैं. तो इसको आप कैसे बोलोगे? इश गेह. अब देखो इसके साथ अकुजेटिव लगेगा. इश गेह और एंटलांग का एक रूल होता है कि वो हमेशा एंड में आता है. मतलब जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले हम प्रपोजिशन लगाते हैं एंड देन फिर हम जो भी होता है जैसे इन देयर बेकर आई या इन दी बेकर आई लगाते हैं. तो यानी कि प्रेपोजिशन लगाते हैं फिर हम अपनी अपना नाउन लगाते हैं. इसमें क्या होता है, पहले नाउन आता है फिर प्रेपोजिशन आती है. तो इश गेह. अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं स्ट्रीट के अलोंग चल रही हूँ. स्ट्रीट को बोलते हैं दी स्त्रास. तो हम नॉर्मली क्या बोलना चाहिए, इश गेह एंटलांग दी स्त्रास. ऐसा ही होना चाहिए कि पहले प्रेपोजिशन आनी चाहिए फिर ये आना चाहिए. बट ये गलत है, ये गलत है. ये हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो बनाते हैं इश गेह
these trasa entlangs. The entlang जो है वो बाद में आता है noun के, ये correct है. इस गेह दीस त्रासा एंटलांग, तो दी दी रहता है अकुजाटे में, इसे दी दी रा. अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं रिवर के अलोंग चल रही हूँ, देयर फ्लूस है, फ्लूस होता है हमारा रिवर, तो इस गेह, अब अकुजाटे में फ्लूस क्या हो जाएगा, देयर है, देयर देन में चेंज हो जाएगा, इस गेह देन फ्लूस एंटलांग, यानी कि एंटलांग बाद में आता है. अभी जो एक ही ये प्रपोजिशन है जो बाद में आती है, तो इसे आप जब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, अगर एंड में दिखे मतलब नाउन के बाद आपको ब्लैंक दिखे तो मोस्ट प्रोबेबली वहां एंटलांग ही आएगा. दूसरा मैं एग्जांपल दिखाती हूँ आपको डुर्श का. तो डुर्श का मतलब होता है थ्रू. जैसे मैंने आपको बोला ये कि ये पार्क है, पार्क के आप थ्रू जा रहे हो, मतलब उसके बीच में से जा रहे हो, थ्रू जा रहे हो, तो इस गेह डुर्श, या यहाँ पहले ही आएगा पार्क आर्टिकल, देयर पार्क होता है, देयर विल कन्वर्ट इनटू देन, क्योंकि अकुजेटिव केस लग रहा है, तो इसके साथ हमेशा अकुजेटिव लगता है, फिक्स अकुजेटिव प्रपोजिशन. इस गेह डूश देन पार्क, आप टनल के थ्रू जा रहे हो, तो टनल को टनल बोलते हैं, टनल का आर्टिकल दी होता है, इस गेह डूश दी टनल, तो आपको इससे पता चल जाएगा, या डूश दी स्ट्रास, आप या डूश दी स्टार्ट, आप सिटी के थ्रू जा रहे हो, तो स्टार्ट, स्टार्ट का आर्टिकल स्टार्ट होता है सिटी, और दी होता है डुर्श दी स्टार्ट, इस गेह डुर्श दी स्टार्ट. तो ये इस गेह डुर्श दी स्टार्ट. अब मैं जो तीसरी प्रपोजिशन करने जा रही हूं वो करने जा रही हूं उम. उम का मतलब होता है एट. इसकी अभी सिर्फ आपको जो यूज़ होगा वो उम दी एक्कर यूज़ होगा. उम आपने टाइम में भी यूज़ किया होगा सेवन्थ क्लास में. अभी जो यूज़ होगा आपको कहीं भी एक्कर दिखाई दे, तो जैसे दास काउफ हाउस इस उम दी एक्कर, कि वो कॉर्नर पे है. एक्कर का मतलब होता है कॉर्नर, तो जहाँ पर भी एक्कर दिखे आपको तो वहाँ उम लगा देना. अभी कोई और यूज़ नहीं है इसका. दास काउफ हाउस इस उम दी एक्कर, तो जहाँ आपको एक्कर दिखे वहाँ उम लगा देना है. जहाँ जैसे अब वाटर बॉडीज़ हो गई, तो जैसे वाटर बॉडीज़ हो गए तो वाटर बॉडीज़ के अंदर नहीं जा सकते, हम अलोंग चलेंगे स्ट्रीट के अलोंग, तो वहाँ एंटलांग लगा देना, और वैसे भी एंटलांग बाद में आता है तो उससे पता चल जाएगा. और डुर्श थ्रू दी पार्क, थ्रू दी टनल, ये इस तरह की उधर उस इस तरह के वर्ड्स में यूज़ होगा. नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, फिक्स्ड डार्टिव प्रपोजिशन. फिक्स्ड डार्टिव प्रपोजिशन, प्रपोजिशन भी बोल सकते हो आप. तो पहला है कौन सी है, मिट. दूसरी है आपकी सू. तीसरी है आपकी फॉन. अच्छा, मिट का होता है वैसे मतलब विद, लेकिन अभी यहाँ बाइक की तरह भी यूज होगा. मैं आपको दिखाऊंगी सू का मतलब टू, फॉन का मतलब यहाँ पर फ्रॉम, या ऑफ भी होता है, लेकिन यहाँ पर अभी फॉन है इसका जो सेंस है. तो मिट का मतलब, मैं मिट का एक एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब ये तीनों फिक्स्ड डार्टिव हैं, इनके साथ डार्टिव ही लगेगा, मतलब ब्लाइंडली यू हैव टू यूज डार्टिव ओनली, यहाँ अकुजेटिव कभी लग ही नहीं सकता. जैसे मैंने पूछा आपसे इश गेह कि मैं बाय बस स्कूल जाती हूँ, तो पहले तो मैं कुछ वर्ड्स बता देती हूँ. देयर सूख इज ट्रेन, देयर बुस इज बस, दी उबान इज मेट्रो, और दी स्ट्रासन बान दिस इज ट्रैम. तो इश गेह, अब मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं बाय बस जा रही हूँ, तो इश गेह मिट यूज होगा. इंग्लिश में जैसे फिक्स बाय यूज होता है, यहाँ मिट होता है, और मिट डार्टिव है, तो देयर विल कन्वर्ट इन टू देम, तो मिट देम बूस, इश गेह मिट देम बूस. अगर मैं ट्रेन से जाती हूँ, इश गेह मिट देम सूख, मिट के साथ डार्टिव हो जाता है, देयर विल कन्वर्ट इन टू देम, तो मिट देम सूख. अच्छा, अगर आप बाय फुट बोलते या ऑन फुट जा रहे हो, तो आप बोलोगे इश गेह सूफुस, फुस के साथ सूफुस आता है, ये फिक्स्ड है. अब मैं आपको सू का एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि आपने बोला कि आप यहाँ जा रहे हो,
आप स्ट्रेट जा रहे हो, स्ट्रीट के अलोंग जा रहे हो. अच्छा अब मैं आपको सू का एग्जाम्पल देती हूँ. सू के साथ भी हमेशा डाटिव केस लगता है. जैसे कि मैं टिल वहाँ तक जा रही हूँ, टिल मैं काउफाउस जा रही हूँ, तो इस गेह सू. अब कीनो है, कीनो का आर्टिकल दास होता है, तो दास विल कन्वर्ट इनटू सू प्लस देम. अच्छा सू प्लस देम का शॉर्ट फॉर्म होता है सूम, आपको सूम देखने को मिलेगा, और सू प्लस देयर का शॉर्ट फॉर्म होता है सुअर. तो इश के है सूदेम कीनो, तो आप सूम कीनो भी बोल सकते हो. अगर अब मैं स्कूल तक जा रही हूँ तो मैं कैसे बोलूँगी, शूल का आर्टिकल दी होता है, दी डाटिव में देर में चेंज हो जाता है, तो सुअर शूल टू दी स्कूल. इश गेह सूम बानहॉफ, बानहॉफ का आर्टिकल देयर होता है, देयर विल कन्वर्ट इनटू देम, क्योंकि सू के साथ हमेशा डाटिव आता है, तो आपको यही देखने को मिलेगा सूम बानहॉफ. या आप बोलोगे इश गेह सुअर कॉन्डिटोराए, इस तरह से इसका यूज होगा. अब रही बात, अब नेक्स्ट आता है फॉन. फॉन भी यही होता है, फॉन प्लस देम हो जाता है फॉर्म, और फॉन प्लस देयर का कोई वो नहीं होता, तो वो सीधा यूज होता है. अब जैसे फॉन का मतलब फ्रॉम, जैसे मैं जा रही हूँ फ्रॉम इस प्लेस से इस प्लेस तक, फ्रॉम ए टू बी, तो इसके लिए कि मैं इधर से इधर जा रही हूँ, तो इस गेह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो फ्रॉम के लिए अब मैं कीनो से जा रही हूँ, फॉर्म कीनो, क्योंकि फॉन प्लस देम हो गया, कहाँ तक, सूम काउफाउस. तो दोनों में मैंने ये बोला कि मैं कीनो से काउफास तक जा रही हूँ, तो फोन फोन प्लस देम हो गया कीनो, एक तो इसका डाटिव केस लग गया, देन इसका डाटिव सू प्लस देम का, फ्रॉम कीनो सू काउफास, इस तरह से इसका यूज होगा. अब एक और चीज़ इस चैप्टर में है, दैट इज़ अगर आप किसी को पूछना चाहते हो, आप किसी को रास्ता पूछना चाहते हो, तो जैसे हम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं हाउ शुड आई रीच देयर, जैसे वी, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है वी कॉमा इश सूम बानहॉफ. अब देखो इंग्लिश में तो हम बोलते हैं हाउ शुड आई रीच देयर या कोई भी जगह बानहॉफ. तो एक तो वी का मतलब हो गया हाउ, कॉमा मतलब कम, इश मतलब आई, सूम मतलब टू दी बानहॉफ. तो सू ये तो आपको पता ही चल गया होगा, सू आ गया है, सू प्लस देम सूम बानहॉफ, बानहॉफ तक मैं कैसे जाऊँ, तो आप उसको रास्ता बता रहे हो. स्ट्रेट के लिए हम बोलते हैं, स्ट्रेट अगर बोलना चाहते हो गेराडा हाउस. राइट के हम लिए बोलते हैं रेस्ट, लेफ्ट के लिए हम बोलते हैं लिंक्स. गेराडा हाउस, लिंक्स एंड रेस्ट. तो आप कैसे बोल सकते हो कि अगर आपको बोलना है, अगर आपसे कोई रास्ता पूछा है वी कॉमर्स सुम बान हॉफ, तो आप इंपरेटिव फॉर्म में बोलोगे, ऑर्डर दोगे, गो टू स्ट्रेट देन टेक लेफ्ट देन टेक राइट, यानी कि आप बता रहे हो उसको. तो आप कैसे बोलोगे गेहन जी गेराडा हाउस, गो टू स्ट्रेट. अब आपने ये तो बोल दिया गेहन जी गेराडा हाउस, अरे कहाँ तक जाना है भाई, कीनो तक जाना है, उसके बाद आप लेफ्ट ले लेना. तो बिस सुम, बिस हो गया टिल, सुम हो गया टू दी, बिस सुम कीनो उन दान लिंक्स, फिर आप लेफ्ट ले लेना, उन दान नेमन जी लिंक्स, आप ये भी बोल सकते हो टेक लेफ्ट. तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो. जैसे मैं एक और आपसे पूछा गया वी कॉमा इश, अगर ये क्वेश्चन आता है वी कॉमा इश सुअर शूल, तो दो तरह से आप इसके आंसर दे सकते हो. अगर वो इजी है तो आप बोल सकते हो गेहन जी, मतलब पास में है गेहन जी गेराडा हाउस, स्ट्रेट जाइए आप, बिस सुअर आम्पल ट्रैफिक लाइट तक, उन दान लिंक्स, फिर लेफ्ट ले लेना, उन दान नेमन जी लिंक्स या दान लिंक्स भी बोल सकते हो. और दूसरा तरीका है अम्बेस्टन, सबसे बढ़िया है अम्बेस्टन, मतलब सबसे बढ़िया है गेहन जी मिट देम बूस, बस से चले जाओ, गेहन जी अम्बेस्टन, गेहन जी मिट देम बूस या मिट देम सू, मिट देम आउटो भी बोल सकते हो, दास आउट होता है तो देम में कन्वर्ट हो गया, इस तरह से आप आंसर कर सकते हो. बी कॉमर्स सूल गेहनजी गेराडा और बिस्सु सुअर आम्पल उन्दान लिंक्स, और दूसरा आंसर अम्बेस्टन गेहनजी मिड देम.
आई थिंक चैप्टर में यही चार इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो और वोहीन का, देन हास्तुल लुस्ट, तो आपको उसमें बोलना है, आपको फिक्स आकु जाटे, फिक्स डाटे मैंने बता दिया है, डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया है। तो मैं एंटलांग वाली की मैं एक एक्सरसाइज भी आपको बता देती हूँ, जैसे पेज नंबर आपका 56 पर, पेज 56 पर एक एक्सरसाइज है, जैसे पहला क्वेश्चन है, हेर मायर जॉक्ड येडन टाग डैश फ्लूस डैश। अब देखो ये एंड में ब्लैंक दिया हुआ है ना, दैट मीन्स यहाँ एंटलांग आएगा और आकुजाटिव देयर देन में कन्वर्ट हो गया, इससे पता चल गया। अब आप अगर लास्ट वाला देखेंगे, दी पोस्ट लीग इन देर हाल हाफन स्रास उम दी एक, एक के साथ हमेशा उम आएगा। एंड अगर आप अच्छा थर्ड वाला अगर हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है वियर गेहन डैश स्त्रान स्टांड हो गया बीच डैश पाथसियरन। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर एंटलांग एंड में क्यों नहीं आया, देखो ये त्रैन बार वर्ब है, स्पाचियरन गेहन उसका एंड तो आएगा ही, स्पाचियरन तो एंड में जाएगा ही, हमें देना है नाउन के बाद, नाउन के बाद ब्लैंक है तो एंटलांग आएगा और देयर विल कन्वर्ट इन टू देन, तो वी आर गेहन देन स्टांड एंटलांग स्पाचियरन, स्पाचियरन गेहन वर्ब वो त्रैन बार है, उसका जो फर्स्ट होगा प्रिफिक्स वो तो एंड में आएगा ही। अब इसका स्टैलेंसी फ्रागन हम एक बार देख लेते हैं, जो कि जाइटन उमर 59 पर है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है नाइन इशाबा काइना लुस्ट, तो क्या क्वेश्चन होगा हाजुल लुस्ट, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको आंसर देना है हाजुल लुस्ट इन स्कीनो सु गेहन, एक रट के चले जाओ आप इन स्कीनो सु गेहन, किनो जाने नाइन इशाबा काइना लुस्ट, तो अगर टाइम भी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी टूट मी अलाइट इशाबा काइना साइट, तो हाजु साइट इन स्कीनो सु गेहन, सिंपल। नेक्स्ट वियर गेहन इन स्कीनो होना चाहिए, इसमें आंसर गेहन वियर लिखा हुआ है, तो इसका कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वोहीन गेट ईयर, ईयर क्यों आया है, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन अगर हमारा ईयर होगा तो आंसर हमारा वियर होगा, क्वेश्चन में अगर डू होगा तो आंसर इश होगा, तो हमारा जो यहाँ पर था आंटवोट फ्राई में दैट इज स्टेल फ्रागन में वो था वियर गेहन इन स्कीनो, तो वियर गेहन आ गया, वियर में क्वेश्चन आ गया, तो आप कहाँ जा रहे हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो वही गेट ईयर हो जाएगा, ईयर की कॉन्जुगेशन मैंने लगा दी। नेक्स्ट है ऑफ देयर पोस्ट, ऑफ देयर पोस्ट है यानी कि दी देर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज ये डाटे फॉर्म है, तो इसका स्टाइल फ्रागन क्या बनेगा, वो कानमान ब्रीफ मार्कन काउफन, वो कानमान ब्रीफ मार्कन काउफन, और अगर आंसर होता ऑफ दी पोस्ट तो आप इसका क्या लगाते, क्या क्वेश्चन बनाते, तो आप बनाते वोहीन गेज डू ब्रीफ मार्कन काउफन, वहां पर जब भी क्वेश्चन बनाओगे वोहीन गेज डू कर दो, मतलब वोहीन के साथ तो गेहन आएगा ही, वोहीन गेज डू ब्रीफ मार्कन काउफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमर गेराडा आउस दान लिंक्स, यानी कि आप रास्ता पूछ रहे हो या अम बेस्टन मिडियम टैक्सी, दोनों का सेम ही है, तो वो नहीं वी कॉमाइश स्वर्शूल, मैं स्कूल कैसे जाऊं, तो इमर गेराडा आउस दान लिंक्स, थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई।